हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल जनकपुर धाम दक्षिण एशिया के मध्य भाग में अवस्थित नेपाल के 14 अंचलों में से जनकपुर अंचल के धनुषा जिले में पड़ता है। हमारा समूह भारतीय मूल के विलायती नागरिकों के साथ काठमांडू से 35 मिनट की उड़ान के बाद जनकपुर पहुंचा। जनकपुर में एयरपोर्ट से हम लोग होटल पहुंचे और फिर कुछ देर विश्राम के बाद जगतजननी सीता व अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन के लिए जानकी मंदिर एवं अन्य मंदिरों की ओर निकल पड़े। नेपाल के मध्यमांचल विकास क्षेत्र के तराई भूभाग में अवस्थित जनकपुर धाम वर्तमान में धनुषा जिले का मुख्यालय है। जनकपुर धाम एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर में रहे अनेक मठ मंदिर कुंड एवं तालाबों का हिंदुओं के बीच विशेष धार्मिक महत्व है। इस पुण्य भूमि पर राजर्षि जनक का दरबार हुआ करता था और यहीं जगत जननी जानकी का मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के साथ विवाह संपन्न हुआ था। धार्मिक सांस्कृतिक विशिष्टता व अनेक मनमोहक दृश्यों के कारण यह स्थान पर्यटकीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अपनी धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा के माध्यम से जनकपुर न केवल नेपाल में अपितु भारत सहित पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ के विभिन्न धार्मिक स्थानों में जानकी मंदिर का सर्वोपरि स्थान है। इस मंदिर के अंदर सैकड़ों कमरे, पूजा स्थल, मंडप, भंडार कक्ष आदि हैं। मंदिर के चारों ओर राम, सीता, लक्ष्मण, जनक आदि के मंदिर हैं तथा धनुष सागर, गंगा सागर, रत्न सागर, अर्गजा सागर आदि पवित्र कुंड एवं तालाब हैं। इन तालाबों में एक तालाब है अंग सागर। विश्वास किया जाता है कि सीता जी इसी में स्नान किया करती थीं। धार्मिक विश्वास है कि राजा जनक के दरबार में शिव का एक धनुष था जो इतना भारी था कि उसे कोई हिला डुला तक नहीं सकता था, लेकिन कमरे की सफाई करते समय नन्ही सीता ने आसानी से उसे उठा लिया। यह देखकर जनक जी अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह प्रण कर लिया कि जो कोई इस शिव धनुष को उठा पाएगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करवाएंगे। इसी के अनुरूप देश विदेश से अनेक राजे राजकुमार जनकपुर आए और शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन जब कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हुआ तो राजा जनक चिंतित हो उठे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ सुपुत्र राम ने आकर शिव धनुष को उठा लिया और जैसे ही उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुष टूटकर तीन टुकड़ों में बिखर गया। इन टुकड़ों में एक आकाश में चला गया, एक पाताल चला गया और एक टुकड़ा कुछ दूर भूमि पर जा गिरा जो कालांतर में धनुषा धाम कहलाया। धनुष का वह टुकड़ा जो पाताल चला गया आज के 25 वर्ष पहले तक उसके जनकपुर स्थित धनुष सागर के बीच में दिखने की बात स्थानीय लोग बताते हैं। धनुष टूटने से राजा जनक प्रसन्न हुए और सीता ने श्री राम को फूलों का हार पहना दिया। मार्ग पंचमी के दिन राम सीता का विवाह सुसंपन्न हुआ। जनकपुर में हर साल राम नवमी, जानकी नवमी, विवाह पंचमी और छठ पर्व में भारी मेले लगते हैं। मेले में दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। राम नवमी का मेला भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष में लगता है, जबकि विवाह पंचमी का उत्सव राम सीता के विवाह दिन के स्मरण स्वरूप मनाया जाता है। विवाह
विवाह पंचमी के दिन राम और सीता की मूर्तियों के बीच मिथिला संस्कृति के अनुसार बड़े ही उल्लास व भक्तिपूर्वक विवाह करवाया जाता है। इसकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक भव्यता देखते ही बनती है। नेपाल के तराई में रहने वाले मैथिल सहित विभिन्न समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला छठ पर्व एक रोमांचक व महत्वपूर्ण पर्व है। यह कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पर्व का रौनक चार दिनों तक रहता है। पर्व का आरंभ नहाय खाय से होता है। इस दिन घर और आसपास की अच्छी तरह सफाई कर शुद्ध व सात्विक भोजन किया जाता है। दूसरे दिन के अनुष्ठान को खरना कहा जाता है। उस दिन दिन भर उपवास रहकर शाम को भगवान की पूजा करने के बाद व्रत करने वाले गुड़ डालकर बनाया गया खीर खाते हैं। उस दिन परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में खीर पूड़ी आदि ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन छठ पर्व का मुख्य दिन माना गया है। इस दिन भर उपवास रहकर शाम को डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इसको संझका अर्घ भी कहते हैं। संध्याकालीन अर्घ के समय फल फूल, ठकुआ, भुसवा, गन्ना, नारियल आदि प्रसादों को टोकरी में सजाकर नदी या तालाब के किनारे ले जाते हैं। जलाशय में स्नान के बाद व्रती द्वारा परिवार के सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं समृद्धि की कामना करते हुए अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। परिवार में सुख, शांति एवं सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए भी यह पर्व मनाया जाने का विश्वास किया जाता है। दूसरे दिन सुबह फिर नदी तालाब में जाकर उदय होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सुबह सूर्य की पूजा करने के बाद छठ पर्व की समाप्ति हो जाती है। इसी के साथ व्रत करने वाले प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस तरह दो दिनों का कठिन उपवास भी संपन्न होता है। यह पर्व मिथिला सहित संपूर्ण तराई वासियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। सामूहिक रूप में यह पर्व मनाने के लिए परिवार के सभी सदस्य घर में जमा होते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले जनकपुर धाम ने नेपाल के गौरवमय परिचय को संसार भर फैलाया है। इस क्षेत्र का एक बार भ्रमण करना ही चाहिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 380 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित जनकपुर स्थल मार्ग से सुविधापूर्वक पहुंचा जा सकता है। जनकपुर धाम में खाने पीने व ठहरने के लिए होटलों की अच्छी व्यवस्था है। दूसरे दिन हम जनकपुर से जीप में बैठकर 20 किलोमीटर दूर धनुषा धाम आ गए। यह धनुषा धाम का मंदिर है। यहाँ धनुषनुमा बड़ी सी आकृति पसरी हुई है। कहा जाता है कि यह शिव धनुष का वह टुकड़ा है जो श्री राम के द्वारा प्रत्यंचा लगाते समय टूटकर जमीन पर आ गिरा था। धनुषा धाम के बारे में यहाँ के पुजारी का कहना है, ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्ययुग की घटना कह के वर्णन किया गया। सत्ययुग में शंकर जी ने महर्षि दधीचि की हड्डियां से धनुष बनाए थे
त्रिपुरासुर संग्राम किए थे आ त्रिपुरासुर संग्राम के बाद में वही पिनाक धनुष शिव ने परशुराम को दिए थे बरदानी में कि जब तक ये आपके पास रहेगा तब तक आपका शक्ति कोई नहीं कर सकता। जब उन्होंने क्षेत्रियों को 21 बार नाश कर चुके तो फिर ले जाके शिव जी को देने गए कि प्रभु हमने बहुत हत्या हिंसा कर चुके, अब अपनी अस्त्र को संभालिए, हमको उद्धार होने दीजिए। तो बोले कि देखिए ये पिनाकी धनुष ले जाके आप राजा जनक को दे दीजिए, विदेह महाराज को। तो परशुराम ने वो पिनाकी धनुष राजा जनक को दिया था। अब वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता उत्पन्न हुई, सीता 7 वर्ष की थी तो उनकी माँ सुनैना बचिया को बोली कि आज तू जा धनु को सेवा करो। उस समय ये धनुआ थे जनक के दरबार में जनकपुर। तो सीता गई तो क्या किए कि वो पिनाकी धनुष को बाएं हाथ से उठा ली, चौका लगा दी, फिर रख दी चली गई खेलने के लिए। अब ये देख करके राजा जनक को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई इतनी छोटी बचिया इतने बड़े धनु को कैसे उठाई, अब इसका जोड़ा भी कहीं होगा। वैसे हम भर कहाँ ढूंढे, इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ रचा दिए। धनुषा धाम के दर्शन के बाद हम जनकपुर धाम लौट आए। जनकपुर धाम पहुंचने पर हमने श्री रामानंद स्मारक एवं जनकपुर धाम के द्वार को देखा। जनकपुर से 35 मिनट की हवाई यात्रा के बाद हम काठमांडू पहुंचे और होटल आ गए। इस तरह हमारी आज की यात्रा पूरी हुई। दूसरे दिन सभी तीर्थयात्री अतिथियों को फूल माला पहनाकर हम काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचाने आए। भविष्य में फिर मिलने के वादे के साथ हम विदा हुए। जनकपुर धाम की यात्रा न केवल धार्मिक रूप से पर्यटकीय दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का व्यवस्थापन काठमांडू में रहे मोन तेरुशा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन प्राली ने किया था। ऐसी धार्मिक तथा पर्यटकीय यात्रा के साथ ही पर्वतारोहण पदयात्रा का व्यवस्थापन करता आया यह मोन तेरुशा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन आगामी दिनों में भी ऐसी ही अविस्मरणीय यात्रा के लिए आपकी प्रतीक्षा में है।